नमस्कार, आज के समाचारों में। नमस्कार, मैं हूँ अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। नमस्कार, मैं हूँ सुधीर चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमीश देवगन। नमस्कार व्यूअर्स, सोमवार का दिन है और मैं हूँ अमीश देवगन आपके साथ। मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। लोकतंत्र पर ख्याल आया है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। It's time now for the moment of truth. Start. Hello viewers. Exit polls के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा, दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। ट्रंप के भारत दौरे का विश्लेषण सुनिए। दुनिया ने ट्रंप और पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री आज देखी। ट्रंप ने कहा, मोदी भारत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और एक बहुत ही सफल नेता है भारत के, और बहुत स्ट्रांग नेगोशिएटर भी हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ थी और ये भारत के 130 करोड़ लोगों की भी तारीफ थी। अगर शाहीन बाग जनता का आंदोलन है तो पाकिस्तान में इसकी प्लानिंग कैसे हो रही है लाहौर में, पूछता है भारत। अगर शाहीन बाग जनता का आंदोलन है तो वहां जिन्ना वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी के नारे कैसे लग रहे हैं भाई। आप जैसे लोग सवाल ही चाहिए, आपको सवाल लोग चाहिए। सवाल ये है कि सवाल ये है कि पैसे किए और गाते पाकिस्तान के, 80 किलो आटे कैसे आए आप लोग, 80 किलो आटे पाकिस्तान से आया। और हमारा सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर शाहीन बाग को टुकड़े टुकड़े गैंग से आजाद नहीं करा सकते। बोलिए पत्रकार हो, बोलिए जूते सीधी करने वाले पत्रकार हो, बोलिए आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन। बोलिए, एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डीकोड किया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि इस देश का प्रधानमंत्री हर जगह, हर मोर्चे पर, हर परिस्थिति में अपने देश के जवानों के साथ खड़ा है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है। ये 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ से नरेंद्र मोदी की वो दहाड़ थी जिसने चीन के होश उड़ा दिए। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। एंटोनिया माइनो बचा देते, क्या क्या नहीं चला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। एक संदेश भी इसके पास से मिला है, कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है। हिम्मत कैसे हुई मरकज की, हिम्मत कैसे हुई तबलीगी जमात की, किस तरह से कोरोना फैला इस देश में। इन्होंने भारत ही नहीं दुनिया को भी नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर निजामुद्दीन इस मामले में भारत का लाहौर साबित हो रहा है। तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है। अयोध्या के अंदर दीपावली जैसा माहौल है। कल भी यहाँ पर 25 लाख दिए जलाए गए थे, आज भी यहाँ पर 25 लाख दिए जलाए गए हैं। क्या कोरोना के नाम पर कुछ लोग राम मंदिर के शिलान्यास रुकवाने की साजिश कर रहे हैं। राम लला के दर्शन नरेंद्र मोदी करते हुए राम दंडवत प्रणाम नरेंद्र मोदी का। भगवान राम के नाम का दिया जलाएंगे, मंदिर वही बनाए। और मैं इस सच को भी साबित करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। चलिए दिखाते हैं आपको टीम रिया की तिलिस्म की ताजा कहानी क्या है। पड़ोसी ने कहा कि रिया और उसके पिता काला जादू करते थे, दोनों ने 3 महीने तक काला जादू किया है। इतनी चुनौती दी थी मैंने, कह रहे उद्धव ठाकरे जी हिम्मत है तो मुझसे बात करें,
सुन लो संजय राउत, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। ज्यादा जुबान चलाते हो ना, ज्यादा जुबान चलाई ना तो ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। अरे वहाँ पे वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका, दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण हैश ना, दिस इज व्हाट Deepika Padukone is asking. So the mall that they are talking about is hash na. Padukone says, I like hash, I don't like weed. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, यहां से वो उड़ान भरेंगी मुंबई के लिए। और जाने वाली बात है, वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। और देखिए सीआरपीएफ का घेरा, वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को, ये देखिए। इन सब के बीच आज कंगना रनौत ने ये कह दिया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। उसने साबित कर दिया कि कंगना सच्ची वीर वीरांगना है। उसने ये भी साबित कर दिया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो छोटे कार्य के माँ बहने करने वाले सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है? कई चैनल्स इस पर तमाशा कर रहे थे, लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में हम सत्य की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। हवाबाजी नहीं है, सत्य बताएंगे आपको कि कौन कहां से कितना कनेक्टेड है, किसके पैसे कहां से कितने आए। आज आर पार के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक ऐसा खुलासा जो शायद कभी नहीं हुआ। रिपब्लिक भारत ने इतिहास रच दिया है। रिपब्लिक भारत तक को पीछे छोड़ते हुए देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल बन गया। भारत के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें नंबर वन बनाई। तो आप लोगों को ठग लिया गया है, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। देश के लोग आज दुखी हैं क्योंकि आज शायद देश में पहली बार एक टीआरपी घोटाले का खुलासा हुआ है कि टीआरपी से छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस ने 3 टीवी चैनल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टीवी का। ये वो न्यूज चैनल है जो देश का नंबर वन चैनल होने का दावा करता था। रिपब्लिक टीवी's एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हैज बीन अरेस्टेड बाय द रायगढ़ पुलिस इन कनेक्शन विद द डेथ बाय सुसाइड ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर who had named Mr. Goswami in his suicide note and alleged non-payment of dues. Riya, aap drugs parties organize karti thi Riya? Republic puch raha, aap drugs parties organize karti thi Riya? Riya, aap drugs parties organize karti thi? Riya, Riya, aapne MDMA drugs liya Riya? Riya, aapne MDMA drugs liya? Riya, aap hash aur bud leti thi Riya? Riya, aap hash bud leti thi? Weed, aapka chat pura retrieve hua hai? रिया का कॉन्फ्रंटेशन किया आप देखेंगे। रिया चक्रवर्ती को सवाल पूछ रही थी, रिपब्लिक भारत की, रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे चेस कर रही है रिया चक्रवर्ती को। वो सवाल, वो सीक्वेंस फिर से दिखाता हूं दोस्तों। मैंने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए, बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूं मेरे जान को खतरा है, इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। गिद्ध गैंग बेटी के कफन में भी अपना टीआरपी का मुनाफा ढूंढ रहा है। वही लोग हैं दोस्तों, भूलिए मत, जो दिल्ली दंगों के आरोपी को मंच दे रहे थे, रिया चक्रवर्ती को मंच देते हैं, और अब हाथरस में दंगे वाली तैयारी कर रहे हैं।
हक के लिए चलाए जा रहे एक आंदोलन में अचानक टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और अर्बन नक्सलियों की एंट्री कैसे हो गई, इस किसान आंदोलन को अब एक और शाहीन बाग में बदला जा रहा है। शाहीन बाग आप याद करके देख लीजिए, अब ये आंदोलन भी शाहीन बाग पार्ट टू बनने वाला है। ये उसी का सीक्वल है कि देश के भोले भाले किसानों के नाम पर कुछ अलग ही खेल चल रहा है। आज मेरे पास इसके पक्के सबूत भी हैं। इस आंदोलन में अब खालिस्तान और कुछ खास राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है और ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दैट जीडीपी इज डूइंग फाइन, द इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, वी आर सीइंग अ वी शेप्ड रिकवरी, अनलॉक इज टेकिंग इफेक्ट, कॉर्पोरेट्स आर डूइंग बेटर, जॉब्स आर कमिंग बैक, वी आर फाइन, वी आर गोइंग टू बी बेटर। क्योंकि जीडीपी माइनस में नहीं है, भारत के नागरिक भी माइनस में, उनकी चेतना पर बर्फ जम गई। तभी तो चैनलों के जरिए एंकर आपके खून में उबाल पैदा कर रहे हैं। आप लोग देखना बंद कर देंगे तो ये डिबेट शोज भी बंद हो जाएंगे, इसलिए आज फैसला आपको करना है। ये मीडिया मीडिया नहीं रही, ये मीडिया भी नो माय डियर फ्रेंड।